ने लोगों को नौकरियों से निकालना शुरू कर दिया था क्योंकि किसी को नहीं पता था कि कोविड कब तक चलेगा, और उन्होंने कहा कंपनी को सर्वाइव करने के लिए हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी, कैश रिजर्व बिल्ड करो, सैलरी वगैरह सब कट करो। और बेस्टी वो ऑर्गेनाइजेशन थी जहां पे अपने कैश रिजर्व बिल्ड करने की जगह अपने कैश रिजर्व्स पर निकाल के लोगों को ले दे रही थी, क्योंकि बाकी कंपनियों को अपनी फिक्र थी और बेस्टी के वो कंपनी थी जिसको अपने लोगों के। हमेशा अपने लोगों के बारे में सोचा है, एंड बिलीव मी दिस इज इन अवर कल्चर, दिस इज इन अवर जीन्स दैट वी कंटिन्यू टू डू इट वर्क फॉर आवर पीपल, बिकॉज़ मैं हमेशा कहता हूं कि मुझे खुशी तब मिलती है जब लोगों को आप में से कितने लोग आज रात को गोवा में पार्टी करने जा रहे हैं? क्यों? यू आर इन गोवा, यू शुड गो एंड पार्टी। ओके, अगर किसने मेरे को इनवाइट करना हो तो मत करना। आई एम जस्ट जोकिंग, बिकॉज़ आई नो आप लोग यहाँ पे आए हैं एंड दो दिन से आपने बहुत अपना टाइम दिया, बहुत कुछ एब्जॉर्ब करने के लिए, लर्न करने के लिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, सो दैट आप अपने बिजनेस को, अपनी लाइफ को और ज्यादा बेहतर कर सकें। तो आप लोगों का ज्यादा समय लेते हुए मैं कुछ आप लोगों को बताना चाहूंगा कि वाई एग्जैक्टली योर फ्यूचर बिजनेस की हमने बैठ के सोचना शुरू किया कि 2020 में इंडिया कैसा होगा। जब हमने 2011 में 2020 के बारे में सोचा तब हमने देखा कि 2020 के अंदर 70 सोचेगी कि किसने याद किया। ओके, आई हैव बीन अकेले यहां पे बिकॉज़ स्पाउसेस वर नॉट अलाउड, इट वाज अ सिंगल यू नो पर्सन दिस थिंग। जो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि वेस्टी हैव बीन एबल टू डू फिनोमिनल चीजें हमने की हैं पिछले 19 साल के अंदर। नहीं सिर्फ हमने इंडिया में मल्टीनेशनल्स को पीछे छोड़ा बल्कि वर्ल्ड ओवर वी बिकेम अमंगस्ट द टॉप 100 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी 6 इयर्स इन अ रो। अब मैं तो हमेशा एक बात कहता हूं कि सोचने की हिम्मत तो करो। अब आज इस चीज पे सोचने की हिम्मत तो करो, वेस्टीज ही क्यों? हमारा प्लान बहुत कंपनीज ने कॉपी किया, यस। हमारे प्रोडक्ट बहुत कंपनी ने कॉपी किए, यस। कंपनीज आई जिन्होंने कहा हमारा राइस ब्रैन ऑयल वेस्टीज से 15 रुपए सस्ता है, yes. हमारा साबुन इनसे 5 रुपए सस्ता है, yes. right? yes. लोगों ने कहा कि मल्टी लाइन का प्लान खत्म हो गया, अब सिर्फ 2 लाइन के प्लान चलेंगे। yes. एक को बात बताओ, साइकिल में कितने पहिए होते हैं? 2। साइकिल को तभी तो स्टैंड की जरूरत होती है। yes. Yes. मेरा पर्पस आप किसी कंपनी को बुरा कहना नहीं है, मैं सिर्फ आप लोगों को एजुकेट करना चाहता हूं, बिकॉज हमारे मेजॉरिटी लोग जो होते हैं वो इनोसेंट होते हैं। जब इनोसेंट होते हैं तो लोग आके उनको कुछ ना कुछ गलत बात करके ऐसी चीजों में फंसा लेते हैं कि उनका डायरेक्ट सेलिंग का कैरियर स्पॉइल हो जाता है। वेस्टीज एज ऑर्गेनाइजेशन अगर आज के दिन पे इतनी ग्रोथ कर सकी, बिकॉज वेस्टीज ने हमेशा एथिक्स के ऊपर काम किया। आप देख लो,